हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टोरीज जो होंगे सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों की फेवरेट कैटेगरी वाली नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। नॉवल हो चाहे ऑडियो बुक हो, भाई वो फेवरेट कैटेगरी है, यानी वो माफिया लव स्टोरी है, ठीक है। और वो भी माफिया भी कोई ऐसे वैसे नहीं, वो एक वो हाई वाले होते हैं ना, एकदम वो हाई प्रोफाइल वाले बिजनेस वाले, ठीक है। तो मतलब एक अलग ही लेवल है स्टोरी में, ठीक है। आप लोग डेफिनेटली इन्जॉय करोगे। और इस स्टोरी की रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा थी कि भाई मत पूछो, मैंने इसको फटाफट से रीड करने की कोशिश की है, बट फिर भी मैंने इसे पूरा तो रीड नहीं किया। बट पहले मैं आप लोग को इसकी डिटेल जो है वो बता देती हूँ, और जो इसके लिंक्स वगैरह होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके जो है आप लोग नॉवल को रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नॉवल का नाम है वो है माय माफिया बॉस। पॉकेट एफएम की नॉवल है ये, और इसके जो अभी तक एपिसोड्स आए हैं वो है 90। इसकी जो रेटिंग है वो है 4.6। इसके जो ऑथर है वो है प्लैनेट वी, और जो अभी तक मैंने इसके चैप्टर्स रीड किए हैं वो है 40+, ज़्यादा नहीं किए। तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं अक्षत और शिवानी। सबसे बड़ी चीज़ कि भाई अब हमारे हीरो हैं। देखो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं ना वो बहुत सारे हैं, ठीक है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ एक ही है, देखोगे ना बहुत सारे इर्द गिर्द गया। मतलब इनके भाई बहन भी तो है ना, है ना, वो भी तो इम्पॉर्टेंट है, भाई बहन और क्या बोलते हैं इनकी मॉम, और भी इनकी फैमिली में ना जाने कौन कौन है। मतलब एक अच्छी खासी बड़ी फैमिली दिखाई गई है, वो भी काफ़ी रिच फैमिली। और आप लोग देखोगे ना भाई मज़ा आ जाएगा, इतनी कमाल की है सच में, मेरे को तो बड़ा मज़ा आया। हाँ जी, तो अब हम इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो जो हमारे हीरो हैं वो एक पावरफुल, खतरनाक और पत्थर दिल होने के साथ साथ एक रिच बिजनेस टाइकून भी है, यानी अक्षत, ठीक है। और उन्हें प्यार व्यार में कोई दिलचस्पी नहीं है। और दूसरी तरफ है शिवानी, जो कि कॉलेज में पढ़ने वाली बिंदास और स्ट्रांग लड़की है, ठीक है। और वो उनका जो सपना है वो है एक पॉप आइडल बनना, और उनका एक फेवरेट पॉप आइडल भी है, ठीक है। और वो उनका क्रश भी है, वो उनसे मिलना चाहती हैं, और इसीलिए वो म्यूज़िक की जो है वो पढ़ाई कर रही हैं। जब हमारे हीरो को ये चीज़ें पता चलती हैं तो वो भी इस कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हैं। अब वो किस तरीके से ज्वाइन करते हैं ये तो आप लोग स्टोरी पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। और फिर ना वो उनको किडनैप करके अपने एक अपने साथ एक जगह पर लेके चले जाते हैं, वो भी ज़बरदस्ती, जहाँ पर हमारी हीरोइन का भाग पाना नामुमकिन सा है। वो उनके साथ ही आई हैं तो उनके साथ ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा इनके सपने का, और क्या जो इनकी तकरार है वो कभी प्यार में बदल पाएगी, टाइप समथिंग समथिंग, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ इनका इंट्रो था। और क्या वो इनके प्यार में डूब जाएंगी सॉरी यार, ये मतलब डूब जाएंगी वाला थोड़ा अजीब सा है ना, तो इसलिए चलो ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब आप लोगों को समझ में आ गया। रॉयल लाइफस्टाइल बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है इसमें, ठीक है। रॉयल लाइफस्टाइल, वो बॉडीगार्ड्स एंड ऑल, सब कुछ एकदम परफेक्ट। और तो और इसमें आप लोग को एक्शन की भी कोई कमी नहीं है, मतलब वो गन्स एंड गोलियां और भाई हमला हो रहा है, बचाओ, इधर से बॉडीगार्ड उधर से बॉडीगार्ड, ओए होए मज़ा आ गया। मतलब मेरे टाइप स्टोरी थी, बड़ा मज़ा आया सच में मुझे इसको रीड करके। और साथ में फ़नी भी है, ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ सीरियस ही है। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें, यानी कि हमारे जो हीरो हैं उनके भाई बहन भी हैं, उनकी फैमिली है, और सेम चीज़ हमारी हीरोइन के साथ भी है। तो मतलब एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है। और बेशक चाहे हमारी जो हीरोइन है उनका इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, बट हमारे हीरो को एक इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग फैमिली एंड बैकग्राउंड और सब कुछ, हुए हुए मज़ा आ गया। मतलब वो कहते हैं ना, मैं जिसे बोलती हूँ यार मैंने ऐसा लाइफस्टाइल, वही वाली चीज़ें हैं। आप लोग डेफिनेटली इन्जॉय करोगे, एक बार जाके इसे रीड ज़रूर करना अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। तो अब कहानी क्या होती है भाई, इनकी मुलाकात जो होती है ना वो तो एक टक्कर से होती है, ठीक है, यानी एक एक्सीडेंट से। अब आप लोग खुद रीड करोगे, आप लोगों को पता चल जाएगा हमारी जो हीरोइन है गाड़ी चलाने के नाम पे वो एक्सीडेंट करती फिरती है। मतलब यार उन्हें तो ये एहसास भी नहीं होता उन्होंने क्या कर दिया है। मतलब सीरियसली वो अपने गुस्से में इतनी ज़्यादा बेकाबू सी हो जाती हैं कि भाई वो ड्राइव कर रही है और वो ध्यान भी नहीं देती चीज़ों पे और वो एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। अब एक्सीडेंट हो गया, बट लड़कियों की क्या छवि होती है कि भाई वो अगर गलती कर भी देती है ना तो वो सामने वाले पे इल्ज़ाम डाल देती है। बट हमारी हीरोइन ने देखो ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो शांति से खड़ी रही, वो गई भी उनसे पूछने के लिए, बट हमारे हीरो थे उस गाड़ी में और तो और जो चीज़ें आगे हुई वो बहुत फनी थी। आप लोग खुद स्टोरी में रीड करना इस चीज़ को, बहुत फनी है। और दूसरी चीज़, दूसरी मुलाकात तब होती है जब हमारे जो हीरो हैं वो एक मतलब एक वहाँ पे फाइटिंग सीन चल रहा होता है, यानी उन पर जो है वो हमला हो जाता है, ठीक है। और हमारी हीरोइन देखो इतना अच्छा नेचर है उनको, वो जाके उनको बचाती है, मतलब उनको ना ऐसे गोली लगने वाली थी, पर वो अचानक से जो है वो ऐसे एंट्री होती है और वो उनको धक्का दे देती हैं और खुद उनको जो है वो गोली लग जाती है। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख, इतना अच्छा नेचर, हमारे हीरो भी सोच में पड़ गए, वो अचानक से क्या हो गया।
फिर वो उनको अपने घर लेके जाते हैं और फिर जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर, तो जो सीन क्रिएट होता है ना उसमें इतनी हंसी आती है बहुत ज़्यादा। मतलब आप लोग डेफिनेटली जाके इसे रीड करना, मैं कह रही हूँ बिल्कुल भी आप लोग बोर नहीं होगा और इतनी ज़्यादा एंटरटेनिंग है ना, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, डायलॉग्स वगैरह सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से लिखे गए हैं। सच में मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई इसको, मैं आगे और भी जाके मतलब आगे चल के डेफिनेटली इसको पूरा जो है वो रीड करने वाली हूँ, बट अभी तो देखते हैं कि कब कर पाती हूँ। बट हाँ, मैं अभी तो इसको रीड कर ही रही हूँ, बट मैंने सोचा आप लोगों ने मुझे इतनी बार बोला है तो इसका रिव्यू, जितना मैंने अभी तक इसको रीड किया उसका तो रिव्यू शेयर कर ही सकती हूँ मैं, है ना, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही थी। बट सच में यार बहुत अच्छा है, और देखना ये है कि क्या हमारी हीरोइन जो है वो मान जाएंगी। और दूसरी चीज़ कि भाई अभी जो अदर कैरेक्टर्स हैं उनकी लाइफ में भी तो कितनी सारी चीज़ें होनी बाकी हैं, और दूसरी चीज़ उनकी लाइफ में भी तो हीरोइंस की एंट्री होनी बाकी है ना। और तो और दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, एक्शन, रोमांस, थ्रिल, सस्पेंस, मिस्ट्री, सब कुछ देखने को मिलेगा इसमें आप लोगों को। मतलब एक साइड कॉलेज लाइफस्टाइल भी, मतलब कॉलेज वाली साइड भी सॉरी, देखने को मिल जाएगी आप लोगों को, तो इसीलिए बहुत कुछ है स्टोरी में, बहुत बहुत कुछ है बल्कि, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारी जो हीरोइन है उनकी फ्रेंड का कैरेक्टर जो दिखाया जाता है, OMG, मतलब वो भी एक अलग लेवल है। आप लोग पूरी स्टोरी को रीड करोगे ना आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या चीज़ें, मैं देखो आप एक एक चीज़ें तो मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद ही रीड करोगे तब पता चलेगा, बस मैं इसकी तारीफ ही कर सकती हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया। बट आप लोग खुद देखना, सच में आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही बोलूँ इस स्टोरी को लेकर, बट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। और वो जो तकरार है वो किस तरीके से जो है वो एक प्यार में बदलती है वो देखना है मुझे तो बस, कि भाई किस तरीके से जो है वो हमारी हीरोइन को अपने साथ आने पर मजबूर कर देते हैं, मतलब एक हैप्पी रिलेशनशिप जो है वो शेयर होता है इन दोनों के बीच में, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, मुझे तो ज़रूर देखना है। और जब मैंने इसका इंट्रोड्यूस किया ना तब मुझे लगा ना कि यार अच्छा चलो ठीक है, हीरो ने जो है वो उनको किडनैप कर लिया, बट जब मैंने रीड करने लगी तो मैंने सोचा यार कहाँ किया कहाँ किया, मैं 40 तक आ गई, देखो 40 तक मैं ये सोचती रह गई कि यार क्या अभी तो 40 तक मैं तो अभी देखो उन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, हाँ 40 के बाद वो है मतलब उन्होंने ज्वाइन कर लेंगे, वो आप लोगों को खुद पर चलेगा फिर क्या सिचुएशन थी और क्या चीज़ें होने वाली है और कितने वो उनको लेके पोजेसिव प्रोटेक्टिव या जो भी एक अलग साइड उनके लिए जो है वो बनी हुई है उनको उनके मतलब अरे यार हाँ रुको मैं बताती हूँ। हाँ तो वो हमारी हीरोइन के सामने ना एक अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं खुद को, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी देखना है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, बहुत 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 कुछ, तो जाइएगा ज़रूर एक बार इस नॉवल को ज़रूर रीड करना, फिर आके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को नॉवल जो है कैसे लगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर वो पसंद आया होगा, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं अपनी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक के फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सके मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक इस वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।